हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इश्यू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर एसएससी ने कोई अमाउंट अपनी टैक्सेबल इनकम में ले लिया, एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन इशू कर दिया गया और उसके बाद यदि एसएससी को यह लगा कि एसएससी को कोई इनकम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं लेनी चाहिए थी, वो टैक्सेबल नहीं है, तो क्या एसएससी के पास ये अधिकार है कि क्या वो अपनी इस गलती को सेक्शन 264 के अंदर सुधार करवा सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से? ऐसी स्थिति उस केस में भी बनती है जब एसएससी का रिटर्न फाइल करने का जो रिवाइज करने का जो टाइम होता है वो निकल चुका होता है। यही इशू बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के माध्यम से सामने आया। केस का नाम है गोपाल वजीरानी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 466 आईटीआर पेज नंबर 376 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 14 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। इस केस में एसएससी ने अपने कोई शेयर्स बेचे कंपनी के अंदर और जिसने परचेज किए थे उसने ये कंडीशन लगाई कि जो सेल कंसीडरेशन का कुछ पार्ट है वो एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा किया जाएगा और एक टाइम बाद जब बायर को ये लगेगा कि कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है तो फिर एस्क्रो अकाउंट से जो सेलर है वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, लेकिन यदि कोई लायबिलिटी आई तो उस परिस्थिति के अंदर जो बायर ऑफ द शेयर है वो उस अमाउंट को एस्क्रो अकाउंट से निकाल लेगा और सेलर को वो सेल कंसीडरेशन का हिस्सा प्रपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। ऐसा ही इस केस में हुआ। एसएससी ने शेयर्स बेचे लेकिन एसएससी ने पूरी कंसीडरेशन के हिसाब से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। इस कंसीडरेशन के अंदर वो अमाउंट भी था जो अभी एसएससी ने एस्क्रो अकाउंट से नहीं निकाला था। रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी ने अपने सारा इनकम टैक्स पे किया, 143(1) का इंटीमेशन इशू कर दिया गया। बाद में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आई और बायर ने सेलर को वो अमाउंट विड्रॉ नहीं करने दिया और बायर ने अपना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट से निकाल लिया। एसएससी ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास सेक्शन 264 के अंदर यह एप्लीकेशन लगाई कि मैंने अपना कैपिटल गेन ज्यादा कैलकुलेट कर लिया है, मुझे सेल कंसीडरेशन पूरी नहीं मिली है, इसलिए सेक्शन 264 के अंदर मेरा रिवीजन किया जाना चाहिए। जब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह मैटर को देखा तो उनका कहना यह था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन है या ऑर्डर है वो सेक्शन 264 के अंदर उसका रिवीजन नहीं हो सकता और इसलिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की रिवीजन की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। एसएससी ने इस रिवीजन एप्लीकेशन के जो रिजेक्शन के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दायर करी। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि सबसे पहले जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर है वो सेक्शन 264 के अंदर वो अमेनेबल है, उसको अमेंड किया जा सकता है और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उसको सेक्शन 264 के अंदर उसको रिवाइज कर सकता है। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि एक आइडेंटिटिकल इशू के अंदर जहां पर ऐसा इशू आया था कि एस्क्रो अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा किया गया था और सेलर उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाया था कुछ कंडीशंस के सेटिस्फाई ना होने पर, तो वहां पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एक स्टैंड लिया था कि ऐसी परिस्थिति में जो कैपिटल गेन है वो रिकैलकुलेट किया जाना चाहिए। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस के अंदर जो रिवीजन एप्लीकेशन थी उसको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि आप कैपिटल गेन को प्रपोर्शनेटली कैलकुलेट कीजिए और एसएससी को उसका रिफंड दीजिए। फ्रेंड्स, ये केस इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट केस में बहुत सारे ऑर्डर्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऐसे आते हैं जहां पर एसएससी का डिसअलाउंस कर दिया जाता है और
जब डिसअलाउंस किया जाता है तो असेसी के पास उसका 154 फाइल करते हैं तो वो भी उसका एक्सेप्ट नहीं होता। यदि सीआईटी अपील में जाते हैं तो वहां पर तीन तीन चार चार साल नंबर नहीं आता। तो सेक्शन 264 भी एक अच्छा माध्यम है जहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक टाइम लिमिट के द्वारा बाध्य होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है गोपाल वजीरानी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 466 आईटीआर पेज नंबर 376 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।